ऐसा है, बांग्लादेश में जो अन्याय अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अब गले तक जल पहुंच चुका है। अब बर्दाश्त नहीं होगा और नागा सन्यासी सरकार का जैसा निर्देश होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, चाहे बांग्लादेश में कुछ करना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन किसी प्रकार से हमारे हिंदुओं भाइयों की जो आपदा पीड़ा है उसको दूर किया जाए और वो सुखी समृद्ध हों। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा, जो विधर्मी हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर एक कत्लेआम चला रखा है, हम लोग तो अहिंसा परमो धर्मा वाले हैं, हम कभी हिंसा नहीं जानते, हम लोग शस्त्र शास्त्र को जानते। जब शंकराचार्य जी ने दिग्विजय यात्रा निकाली तो उन्होंने अपने हाथ में शास्त्र भी रखा था और नागों की फैज बना के शस्त्र भी रखा था। जहाँ शास्त्र की आवश्यकता होगी वहाँ शंकराचार्य जी परास्त करेंगे और जहाँ शस्त्र की जरूरत होगी वहाँ नागा सन्यासी खड़े रहेंगे। तो मैं सरकार से, मानवाधिकार से बार बार मांग कर रहा हूँ कि शीघ्रता से हिंदुओं का पलायन रुके, हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो रुके। बांग्लादेश में चाहे वो अग्रिम सरकार हो या सेना हो या उसके माध्यम से, ये तत्काल हिंदुओं के ऊपर जो संकट आया वो विलंब दूर होना चाहिए। मैं सारा साधु समाज, तेरा अखाड़े अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय महामंत्री जी अखाड़े के सारे एक साथ हैं और एक स्वर से हम लोगों का यही क्षेत्र है, यही कार्य है, सनातन धर्म की रक्षा करना। और मेरा अगर सरकार हमें कहती है कि बांग्लादेश जाना है, बांग्लादेश जाने के लिए भी हम तैयार हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के फैसले के साथ हैं। कोई डेडलाइन सरकार को दी जाएगी? देखिए, हमने अभी सब अखाड़ों के बैठक होने जा रही है, उसमें हम लोग सब लिख करके सबसे वार्ता होगी और जितने संत महात्मा हमारे हैं सब सरकार के साथ है, सरकार के निर्णय के साथ है। और जैसे भी होगा, क्योंकि देखिए बहुत हो चुका, बहुत ज़्यादा हो चुका, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब हमारे हिंदू बच्चियों पे, जब हमने देखा छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे बर्दाश्त होगा। इसीलिए हम सबको एक होना पड़ेगा, सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, कहीं आगे चल के भारत में स्थिति न हो कि हमें भारत भी छोड़ ना पड़ेगा। इसके लिए सभी हिंदुओं को जागना होगा और मैं यही कहूंगा, पुनः कहूंगा, जागो हिंदुओं, जागो, कहीं हमारा भारत भी कल आने वाले समय में बांग्लादेश में बने। नागा हमेशा कूदते आए हैं, लेकिन जब से हमारा जो भारत का जो संविधान बना है तब से नागाओं को जंग में का पार्ट नहीं बनाया गया, उनको जंग में नहीं रखा है। लेकिन अब समय आ गया है, अगर ऐसा होता है तो नागा जंग में कूदेंगे। जो भी हमें कार्य दिया जाएगा हम उसके लिए तैयार है, नागा पीछे नहीं है। नागा के हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, दोनों वस्तु में हमारे हाथ में है और जिसकी आवश्यकता होगी उसी से कार्य किया जाएगा। देखिए, हम सब जितने हिंदू है, जितने सनातनी है, सबको जागना होगा और हमें यही प्रयास करना है। भारत में भी कुछ सालों में ऐसी स्थिति बनने वाली है, हमको जागना होगा, हमें सनातन की रक्षा करनी होगी और सनातन की रक्षा के लिए हमने संन्यास लिया है, हम नागा बने हैं, हम संत बने हैं, इसलिए सनातन की रक्षा करना सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा है। उसके लिए हमारी जान जाए, हमारे प्राण जाए, हम उसके लिए तैयार हैं।